अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के हमारे साइकोलॉजी के सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बोधात्मक प्रतिक्रियाओं, यानी कि हमारे ज़हनी आमाल, हम किस किन वे में हम सोचते हैं, जिसको हमने लास्ट सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझा था, ताक्कुल, कल्पना, तसव्वुर, जिसमें हमें खुसूसियात की ज़रूरत होती थी, उसके बिना पर हम तसव्वुर करते थे। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अमले इस्तदलाल। इसको हम समझेंगे, अमले इस्तदलाल है क्या। गुजराती में इसे कहेंगे तर्क क्रिया, लॉजिक। हम किस तरह से लॉजिक लगाते हैं, तर्क करते हैं, उस चीज़ को हम समझेंगे। अमले इस्तदलाल एक किस्म की हकीकी गौरव फिक्र है। अमले इस्तदलाल कैसा है, हकीकी गौरव फिक्र है। पहले हमने समझा कि हम तसव्वुर करते थे, तसव्वुर हमारे माइंड में, यहाँ पे हमारी चीज़ें सामने होती थी और हम उसके ऊपर गौरव फिक्र करते हैं। अमल इस्तदलाल में, अमल इस्तदलाल के वसीले से फ़र्द अपने गौरव फिक्र को बाकायदा तौर पर मरतब करता है। इस्तदलाल के बिना पर वो किसी नतीजे पर पहुँचता है। इस्तदलाल क्रिया लॉजिक के ज़रिए सोच कर वो कोई एक मखसूस नतीजे पर पहुँचता है। रहबर की राय के मुताबिक अमूमी मफहूम में अमल इस्तेदलाल एक किस्म का मंतिकी और मरबूत फिक्र है, मंतिकी तौर पर फिक्र करता है। मखसूस मफहूम में अमल इस्तेदलाल एक किस्म का मसला है और मसला हल किरदार है, जिसके ज़रिए फ़र्द सोच कर समझ कर उस मसले का हल करता है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, उसको समझिए। पेज नंबर 54 पर बुक्स के एग्ज़ाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वही एग्ज़ाम्पल देती हूँ, लेकिन आपको फिर अपने हिसाब से कोई नया एग्ज़ाम्पल बनाना है। जैसे आप बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 54 पर अमले इस्तदलाल हेडिंग है। एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि इम्तिहान के दिनों में आप रात के वक्त पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से आपके कमरे की लाइट बंद हो जाती है, तब आपके सामने मसला दरपेश होता है। दो मसले दरपेश होते हैं, आप दो वे में सोच सकते हो। पहला तो ये कि लैंप या जो आपका ट्यूब लाइट है, क्यों बंद हुई। दूसरा ये कि इसे दोबारा किस तरह से चलाई जाए, ताकि आपके पढ़ाई का जो काम रुक चुका है वो आगे बढ़े। आप अपने जहन में कई इस्तदलाल करेंगे। इस्तदलाल मतलब हम थिंकिंग करेंगे, लॉजिक लगाएंगे कि अब हमें क्या करना है। कि लाइट गुल हो गई है, लेकिन आपके पड़ोसी के यहाँ तो लाइट है, इसलिए आप अपने अहम स्विच के करीब का फ्यूज़ उड़ गया होगा। इस किस्म का इस्तंताज करेंगे, सोचेंगे कि आपके सामने के घर में तो लाइट है, हो सकता है कि आपके घर में जो फ्यूज़ है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके घर में दिगर रूम में लाइट है, तब आप सोचेंगे कि हो सकता है आपके लैंप के होल्डर या स्विच में कोई ख़राबी हो, आप उसे चेक करेंगे। स्टार्टर में कोई ख़राबी हो, आप वो देखेंगे। इस तरह से आप लॉजिकली तर्क करके उस मसले के एक अहम नतीजे पर पहुंचते हैं। ये टोटली ओवरऑली कहलाता है अमल इस्तदलाल। हम लॉजिक के ज़रिए अलग अलग थिंकिंग करके उस जो भी मसला हमारे सामने है उसके हम हल निकालते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो अगर आपको रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, तो वहाँ पर भी अमल इस्तदलाल करके कई इस्तंताज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी गाड़ी में इंजन में कोई ख़राबी आ गई हो, पेट्रोल में कोई ख़राबी हो, पेट्रोल कम हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम अलग अलग इस्तदलाल करके, इस्तंताज करके एक ख़ास नतीजे पर पहुँचते हैं। आइए हम अमल इस्तदलाल की बात करते हैं। तो अमल इस्तदलाल दो किस्म के नज़र आएंगे, इस्तकराजी इस्तदलाल और इस्तकराई इस्तदलाल, इस्तदलाली अमल। तो इस तरह से आइए हम समझते हैं इस्तकराजी इस्तदलाली अमल। इस्तकराजी यानी के नतीजा, खुलासा, नतीजा या निचोड़। इस्तकराजी इस्तदलाल किसी मफरूज़े अकीदे की बिना पर किया जाता है। मफरूज़ा अकीदा यानी कि हमारे सामने कोई चीज़ है, कोई हकीकत है, उसके बिना पर हम इस किस्म की फिक्र या फिर अंदाज़ा या इस्तंताज करते हैं। इस किस्म के इस्तदलाल में आप जो कुछ जानते हैं या जिसमें आप यकीन रखते हैं वो सही है, इसके बिना पर मखसूस नतीजा हम अक्स करते हैं। मतलब हम कुछ चीज़ें सोचते हैं, उसके बिना पर हम नतीजा अक्स कर लेते हैं ऐसा होगा। अक्सर वो चीज़ें सही है या गलत, इसका फ़ैसला हम नहीं कर पाते। कई बार हम वो चीज़ें गलत भी नतीजा अक्स कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मल एग्ज़ाम्पल इसको समझिए कि लोग प्लेटफॉर्म पर तब दौड़ते हैं जब उनकी ट्रेन रवाना हो रही हो। ये हमें पता है, बुनियादी कज़िया है ये, क्योंकि हमें इस चीज़ का नॉलेज है कि फ़र्द ट्रेन भागते हैं प्लेटफॉर्म पर, वो इसलिए कि उनकी ट्रेन रवाना हो रही। एक फ़र्द प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा है, अब
इन दोनों की जो हकीकत हमें पता थी उसके बेस पर हमने ये नतीजा उसे किया, क्योंकि वो फर्द की ट्रेन छूट रही है इसके लिए वो दौड़ रहा है। क्या ये सही हो सकता है? एनी टाइम नहीं। प्लेटफॉर्म पर लोग दौड़ते हैं, लेकिन उसका रीज़न ये तो नहीं कि हर फर्द अपनी ट्रेन के लिए दौड़ रहा है। कोई और रीज़न से भी फर्द अलग अलग लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हैं, उनके अपने रीज़न हो गए। तो कई बार हमें जो चीज़ें पता है, कई बार वो चीज़ें गलत भी हो सकती है, और उसकी बिना पर हम जो नतीजा अक्स करते हैं वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे यकीन के बेस पर हम ये चीज़ें करते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल्स आपको अपने हिसाब से समझना है और बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इस्तकराई इस्तदलाल। इस्तकरा इस्तेदाल इसके ऑपोजिट है। इसमें साइंस के बेस पर जो चीज़ें हकीकत में बताई गई है उसके बेस पर हम नतीजा अक्स करते हैं। दो इस्तदलाली अमल मखसूस हकाइक हकीकतों को और मुशाहदे पर मुनसर होता है। मखसूस हकीके हकाइक और हकीकतों के मुशाहदे पर, याद रखना है, उसे इस्तकरा इस्तेदाल कहते हैं। इस्तकरा इस्तेदाल बेशतर साइंसदान इस्तकरा इस्तेदाल किस्म के होते हैं। साइंसदान बतदरीज अलग अलग मुकामात और औकात पर अमूमी नतीजा अक्स करना यानी इस्तकरा इस्तदलाल करते हैं। उन्हें हम इस जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है उसको समझते हैं। एग्ज़ाम्पल के मुताबिक हम देखें तो शोंग फोंग भाई चीनी हैं और नक्चे हैं, ये मखसूस बुनियादी कज़िया है। डेंग लोंग बहन चीनी है और नक्चे है, ये भी मखसूस कज़िया है। हो आंग हो भाई चीनी है और नक्चे है, ये भी एक मखसूस कज़िया है। चाओ माऊ भाई चीनी है और नक्चे है, ये भी एक मखसूस कज़िया है। अब ये सारे मखसूस कज़िया, कज़िया मतलब एक कंटेन है, उसके ऊपर से हम एक नतीजा से करते हैं, मार्क्स कज़िया करते हैं कि सभी चीनी नक्चे हैं। हमने देखा कि जो फैमिली है इनकी देखा जाए तो सभी नक्चे, चाहे वो भाई बहन हो, सभी कैसे है, नक्चे है। तो इसीलिए हमने एक अक्स किया कि सभी चीनी जो चाइनीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नक्चे होते हैं। इसे कहते हैं इस्तकराई इस्तदलाल। इस तरह से हकीकतों के बेस पर इसमें नतीजा अक्स किया जाता है। तो ये था अमल इस्तदलाल। अमल इस्तदलाल में इस्तकराई इस्तदलाल और इस्तकराज इस्तदलाल टॉपिक अगर भी आपको सही लगते हैं वो उसमें लिखिए और गौर से चीज़ को समझिए। थैंक्स।